देखो बेटा, मेरे एक दोस्त ने पूछा अभी, ये इनटू है इतना याद रखो आप। मेरे एक दोस्त ने अभी मुझे पूछा, सर ये रीज़न है बराबर है, आपने कॉस 45 कैल्सी पे रूट 2/2 आता है, ये हमें पता है कि हमने कैल्सी पे देखा है, अगर हमने एग्ज़ाम में भी रूट 2/2 लिख लिया तो वो उन्हें भी समझ जाएगा कि इसने कैल्सी से देखा है। अगर मैंने एग्ज़ाम में 0.707 लिखा तो उसे समझ जाएगा इसने कैल्सी से देखा है। आपने टेंथ में ये सब वैल्यू याद करके लिया है, सर ने ऐसे पिरामिड फॉर्म में बताया आपको कैसे याद करना वगैरह, वो याद नहीं मेरे को, पर आपने वो याद किया है, नहीं तो वो याद करना भी। पर आपको और इजी है, 11 12th में कैल्सी यूज़ नहीं किया, करने देते हमें कैल्सी यूज़ करने दे रहे तो उसका फ़ायदा ले लो। बात समझ में आ रहा है सर? रूट 2/2 मतलब 1/√2 कैसे वो भी बताओ। देखो रूट 2/2 2/2 आपको पता है, 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 × √2, हाँ बोलना, ऐसे मैं लिख सकता हूँ √2 × √2 होता है √2 का स्क्वायर, मतलब एक्चुअली ऐसे है √2 का स्क्वायर, और आपको पता है स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल, मतलब वो फिर से 2 हो जाएगा, समझ में है? तो इसको मैंने ऐसे लिखा, फिर √2 √2 गेट कैंसल, फिर कौन बचता है 1/√2। और कैल्सी पे आपने वो H2D वाला बटन दबाया ऑन के बाजू में, सॉरी AC के बाजू में, तो वो बराबर 0.707 हो जाता है, और ये इसका मतलब 1/√2 है। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपको याद रखने पड़ेंगे, और वो स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आपने लिख लेना। किधर लिखना? जब आप नाम नंबर लिखते ना पहला पेज उस पर ये लिख लेना, सुन लो, ये कैलकुलेटर वैल्यू है और ये जो है ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है कि जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है। कैलकुलेटर में अगर √2/2 आ गया, कैलकुलेटर में अगर 0.07 आ गया, तो आपने इसका आंसर 1/√2 लिखना है। कैल्सी में अगर 0.5 आंसर आ गया तो आपने 1/2 लिखना है। कैल्सी में अगर 0.866 आ गया तो आपने लिखना √3/2 लिखना है। कैल्सी पे अगर 1.41 वैल्यू आ गया, ये 5-6 वैल्यू है, इसमें याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपका सुपा करता है ज़िंदगी, √2 लिखना। कैल्सी पे अगर 1.15 आंसर आता है तो आपका आंसर होता है 2/√3। नहीं तो सिल्वर वालों का आंसर ही आएगा। बस ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है। 1/√3 का भी देखो, .577 तो ये आता है 1/√3। सर फिर हमें इतने वैल्यूज याद रखने पड़ेंगे? नहीं, जिनका सिल्वर कलर का कैल्सी है या तो ब्लैक एंड व्हाइट कैल्सी है उन्होंने खाली ये वैल्यू याद रखना, क्योंकि आपके कैल्सी में ये वैल्यूज अपेयर होंगे। जिनके पास टोटली ब्लैक कलर का कैल्सी है उन लोगों के इसमें ये वैल्यूज अपेयर होंगे, अपने वैसे याद रखना। बात समझ में आ रहा? एक वैल्यू खाली बाकी है √3 का, .173, और एक वैल्यू है √3 का, और वो होता है 1.73।
ये स्टैंडर्ड है, ये शॉर्टकट है, ये बोलना नहीं किसी को, ठीक है ना। टीचर ने पूछा तो टीचर को बोलना मेरे याद है फॉर्मूले, ठीक है। मेरे पीछे बात करो, अगर कैलकुलेटर पे रूट टू बाई टू नहीं तो 0.707 वैल्यू आ रहा है, एग्जाम्पल में स्टैंडर्ड वैल्यू 1/√2 लिखना, 0.5 मतलब 1/2, 0.866 मतलब 3/2, 1.41 मतलब रूट ऑफ 2, 2√3/3 मतलब 1.15 मतलब 2/√3, 3/3 मैं तो 0.577 1/√3 √3 1.73। आणि मी तुम्हाला सांगतो, मी ना अगर मैं हुशार रहता आपकी तरह, जब मैं स्टूडेंट रहता तो मैं कुछ भी याद नहीं करता, मेरे खाली स्टैंडर्ड रेशियोज पता है। क्या क्या है स्टैंडर्ड रेशियोज? 1/√3, 3/2, 2/√3, 3, 1/√3, 1/√2, बस ऐसे कभी मैंने सुना है? 1/√5, 5/√5 देखा ही नहीं ऐसे कभी। तो जो भी आंसर आता है समझ लो मेरा कैल्स में 0.866 आंसर आ गया, मैं भूल गया कौन सा वैल्यू है, तो मैं एक एक वैल्यू चेक करता हूँ। 1/√2 का वैल्यू आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 3/2 का आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, मतलब इसका आंसर ये, मतलब मैं याद भी नहीं करता। स्मार्ट वर्क करो बस, समझ में आ रहा है आपको? कह दो तुम्हारा समझा मैं क्या बोलूँ। ओके चलो, ये लिखा आपने, ये नहीं लिखा? हाँ नहीं लिखा तो जाने दो बेटा, बाद में करोगे, है ना। अभी अगर आपको ऐसे आ गया tan 5π/12 रेडियन, यारी बहुत से लोग डर जाते हैं। रुको वही समय क्या देख लेता, हाँ वही है, हाँ नहीं तो दूसरा आ जाता सर। ऐसे सम रहेगा तो टेंशन घायल ना है भाऊ। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, यहाँ 180 लेना, 22/7 वगैरह घर पे, ठीक है ना, इधर 180 लेना, समझा हमको। इसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, टैन पाई 180 डिवाइड बाय 12। दिमाग नहीं लगाना, कैलसी है अपने पास, है ना, तो टाइम रहने दो। कैलसी पे खाली 5 × 180/12 देखो, 75 आ रहा है, हाँ बोलना, ये 75 आ रहा है, ठीक है, तो ये 75 बस, मतलब ये, मतलब यही है। अभी हमने एक कॉस वाला सम देखा, तो वो ऐसे भी पूछा जा सकता था, कॉस 5π/12, तो आपने उसको ऐसे कन्वर्ट करना, और ऐसे कन्वर्ट करने के बाद आगे सॉल्व करना, कर लेना कि अभी देखो tan 75 का स्प्लिटिंग करो, कंपाउंड एंगल है, दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता इसका, यही होगा हाल। tan, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, ये फॉर्मूला है tan a+b का, पता है फॉर्मूला आपको? मेरे पीछे बात करो, वी नो द फॉर्मूला, tan ऑफ a+b, tan ऑफ a+b इज इक्वल टू tan a tan b अपॉन 1 - tan a tan ऑफ a+b इज इक्वल टू tan a+tan b अपॉन 1 - tan a tan b। बोलो ओके, रिदम आ गया मेरे को। tan ऑफ a+b इज इक्वल टू tan ऑफ a+tan ऑफ b अपॉन 1 - tan a tan b। बोलो बोलो बोलो, tan ऑफ a+b इज इक्वल
to tan of A plus tan of B upon 1 minus tan A into tan B. बराबर है? क्या प्रॉब्लम है क्या? ऐसा फॉर्मूला है सर? ऐसा फॉर्मूला है. तो ये होगा सर tan of A plus tan of B upon 1 minus tan of A into tan of B. संगा कटिने का अभी कैलसी आपके पास है, जिंदगी आपके साथ है. tan 45 देखो कैलसी पे कितना आता है, 1 आता है. और 1 मतलब 1 होता है. प्लस tan 30 देखो, tan 30 0.866 आ रहा है, मतलब रूट 3. tan 30 क्या आ रहा है? रूट 3 बाय 3 मतलब 1 अपॉन रूट 3 है. हाँ, 1 अपॉन रूट 3 है, बराबर है. 1 अपॉन रूट 3, 1 माइनस tan 45 इज 1, और ये होगा 1 अपॉन रूट 3. अभी देखो इसको सिंप्लीफाई करो, तिरकस गुणाकार पता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं उसको. ये इधर यस है, कर तिरकस गुणाकार कर. 1 इंटू 1 होता है 1, रूट 3 इंटू 1 रूट 3, माइनस 1 अपॉन रूट 3, रूट 3 रूट 3 गेट अ कैंसल. आंसर इज रूट ऑफ 3 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 3 माइनस 1. दिस इज युअर टैन ऑफ 75. सर मला एक क्रॉस चेक करायचं आहे, तो मैं कैसे करूँगा सर? कैलसी पे कभी भी आंसर गलत होगा अगर आपने ब्रैकेट नहीं डाला तो. सबको ब्रैकेट डालो, इसका जो आंसर आएगा वही टैन 75 का आंसर होगा. देखो करो प्लीज़ कैलसी पे. डिवाइड बाय कितना आ रहा आंसर? 3.7. और टैन 75 देख लो, 3.7. सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब टेंशन घ्यायचं नाही, आपलं उत्तर बरोबर आहे. सांगा कठीण आहे का वय? नाही, पर आपने प्रॅक्टिस करना चाहिए. तो दिस इज द आंसर. मैं इस पे आऊँगा फिर से. आगे का है क्वेश्चन सॉल्व, और क्वेश्चन दिया आपको साइन पाई बाई 12. करो साइन पाई बाई 12 कितना होता है? करो ना फिर साइन 180 बाई 12. बहुत से लोग कैलसी पे डायरेक्ट आंसर देखते नहीं. अभी ये कौन से एंगल से सॉल्व करना है? कंपाउंड एंगल से. 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ. मेरे बहुत से दोस्त लोग रहेंगे कि जो थोड़ा सा आउट ऑफ द वे विचार कर रहे हैं, सर मैं 60 माइनस 45 करूँगा, तू कर. हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, तू ऐसे सॉल्व कर, दोनों का ज़िंदगी एक ही होगा, ठीक है ना? पर वो देखना आपने. तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ साइन 45 माइनस 30. मैंने लास्ट पेज पे जैसे मैं एग्ज़ाम में जाता हूँ मैंने ये फॉर्मूला लिख के रखा है साइन ए माइनस बी का, जैसे सर ने पढ़ाया मेरे को. ये साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. बराबर है? वी नो द फॉर्मूला साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. मैं फिर से बता रहा हूँ, और ये मेरा वाक्य पहले भी था फर्स्ट यूनिट टेस्ट में,
बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है, पर वो मेंटेन करो और वो मेंटेन करना नॉट अ जोक, ठीक है ना, मेंटेन करो, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो ये आंसर होगा सर साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। जिपला कैलसी पे देखो, घबराइए नहीं, साइन 45 का वैल्यू देखो, रूट 2/2 आ रहा है, मतलब उसको 1/√2 लिखते हैं। कॉस 30 का वैल्यू देखो, पक्का कॉस 45 देखो, 1/√2। साइन 30 देखो, 0.5 मतलब 1/2, 1/√2। कॉस 30 √3/2। हेलो, ये इंटू होता है तो इंटू की तरह दिखना चाहिए, बहुत सारे माइनस कर देते उसको, माइनस 1/√2, 1 × √3, √3/√2, −1/√2, दोनों का डिनोमिनेटर एक ही है, √3 − 1/√2, एंड दिस इज माय आंसर ऑफ साइन ऑफ 15। सांगा सर कठिने का है कुछ नहीं, 3 घंटे का पैथ रखा है तो विचार करके रखा है, पेशेंस रखो बस। आपको जो दूर लेके जा रहा है, मोबाइल है, दोस्त है, उनको फेंक दो ऐसे। द थिंग्स विच मेक्स यू वीक फिजिकली एंड मेंटली, रिजेक्ट इट एज अ पॉइजन, पॉइजन की तरह उसको फेंक दो बाजू में, निकाल ऐसे, बात समझे आपको, तो ये आप कर सकते हैं। हम लोग और एक सम देखते हैं और फिर हम लोग खुद सॉल्व करेंगे आगे का। हमने पहला कौन सा देखा, कॉस 105 देखा क्या, 75 देखा, अभी देखते हैं। हाँ बोला, जिंदगी यही है, छोड़ दूंगा क्लासेस लेना, ये नहीं आया तो 7π/12 कॉस 7π/12। सर ये क्या ऐसे पाई पाई चल रहा है, देखो बताओ आंसर बताओ, कॉस 7 × 180/12। दिमाग नहीं लगाना, कैलसी यूज करना, 105 डिग्री बराबर है। स्प्लिटिंग बताओ, फोर्ड बताओ, इसका फोर्ड कॉस 60, वी नो द फॉर्मूला, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बेटा आ रहा है सबको, आ रहा है आपको, मैं मेरा कैलकुलेशन बता रहा हूँ, मैं जब स्टूडेंट था मेरा साइकोलॉजी कैसे था मैं बता रहा हूँ, ऐसे टाइप स्टार्ट होता है ना, इससे पहले सर मोटिवेट करते हैं, फिर हम लोग ना ऐसे बहुत मराठी में आना भागा बोलते, बहुत शपथ लेते हैं, अभी तो मैं बहुत पढ़ाई करूँगा वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे एकदम चार्ज हो जाते। तो वो चार्ज होने में मेरा एक नंबर था, मेरे दोस्तों में ऐसे दिखा रहे दिखा कि मेरा शपथ पीछे ले लेता, जाने दे भाई, टॉप नहीं आया तो भी चलेगा, पास होना है बस। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मुझे समझ रहा है, मैं आपको और थोड़ा सा बूस्ट कर रहा हूँ, ये घर जाने के बाद आज इसका राइटिंग प्रैक्टिस आज ही कर लो, दिमाग में फिट मतलब एकदम फिट, आज घर जाओगे तो ज़िंदगी भर मैथमेटिक्स को डरते ही रहोगे, मैं फिर से बता रहा हूँ। और आज इसको आप अगर मारोगे तो ज़िंदगी भर ये गुलाम बनेगा आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ, एकदम एकदम फुल एंड फाइनल। अभी मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि और 2 घंटा बाकी है, कितना पेशेंस से साथ आप बैठते हो मुझे नहीं पता, पर ये मैं इतना बता देता हूँ कि अगर आपके मन में ऐसे चल रहा है, जाने दे भाई जाने दे, टॉप डिप नहीं करना,
तो तू गलती नहीं, गलती कर रहा है। मैं लेके जा रहा हूँ, मैं लेके जाऊँगा तेरे को, मेरा सुनना, मैं अच्छा पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, सब बोल, cos 60 cos 45 एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही नहीं है, मैं घाई कर रहा हूँ क्या पढ़ाते वक्त, नहीं, कॉलेज में ये ख़त्म हो जाता फटाक से। तो भी टॉपर अपना रहता, याद रखना cos 60 का वैल्यू देखो। बहुत से लोग सो रहे हैं नालायक, cos 45 sin 45 और sin 60 हाँ 0.866 आ रहा है, तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/√2 √3/2 इंटू 1/√2 1 × 1 1/√2 देखो देखो ये जमाना, समझ में आया आपको, कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्या ही समझ में आया। चलो इतना लिख लो, कंपाउंड एंगल जिंदगी ख़त्म। मैं ऐसे ही आपको सम दे रहा हूँ, आप ऊपर मार्जिन में लिख लो, जिनका ये फटक से हो जाता है आगे का खुद सॉल्व करो और चेक योर औकात। आगे का समय cos 15, उसके आगे का समय sin 75, उसके आगे का समय tan 15। खुद सॉल्व करना हाँ, पर पहले अभी ये कॉपी कर लेना सर, धर्म निभाओ। ये हो गया लिख के, नोट डाउन।